Hello everyone, hope you're doing great and in this video I'm going to teach you very interesting topic. बहुत सारे लोगों के माइंड में एक प्रॉब्लम होता है यार कि पैट एनिमल्स क्या होते हैं, वाइल्ड एनिमल्स क्या होते हैं। देखो पैट एनिमल्स के बारे में बात करें या डोमेस्टिक एनिमल, दोनों का ही मीनिंग सेम होता है। वाइल्ड एनिमल जो होते हैं वो होते हैं जंगली जानवर आपके, जो जंगल में रहते हैं, ठीक है। सो अभी हम उस टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं डोमेस्टिक एनिमल क्या होते हैं, पालतू जानवर जो हम अपने घरों में पालते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है, बहुत सारे छोटे बच्चों को आप ये बता सकते हैं यार कि पैट एनिमल्स क्या होते हैं और वाइल्ड एनिमल्स क्या क्या होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पैट एनिमल्स के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले पैट एनिमल्स कौन कौन से होते हैं। जैसे कैट होती है, बहुत सारे आपके दिमाग में ऐसा चल रहा होगा अभी इमेजिनेशन, ओके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ दैट यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड, फर्स्ट एनिमल है हमारे पास में जो आता है डॉग। डॉग मीन होता है आपका कुत्ता। क्या होता है? कुत्ता। आपने देखा होगा आप बहुत ज्यादा घर में क्या पालते हैं, हम लोग हम पालते हैं डॉग्स। डॉग्स क्या होता है, सबसे ज्यादा वफादार होता है, ठीक है। डॉग्स वफादार होते हैं इसलिए हम लोग उनको पालना ज्यादा बेटर समझते हैं, ठीक है। तो डॉग मतलब क्या होता है, आपका कुत्ता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कैट। कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। आप देख सकते हो इमेज में, ये रही आपके सामने एक बिल्ली। तो हम लोग घर पे क्या पालते हैं, कैट पालते हैं। इसका प्रोनंसिएशन भी आपके सामने लिखा हुआ है, सो यू कैन सी, ओके, लुक एट हियर, ओके। कैट, कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास में एनिमल आता है काऊ, ओके। सो इन और हिंदू वर्शिप वी वर्शिप ऑफ काऊ, ओके। हमारी ये मान्यता है कि काऊ में बहुत सारी गॉडेस रहते हैं जिस कारण से हम इसकी पूजा करते हैं, ओके। और काऊ मतलब क्या होता है, गाय, ठीक है। तो आप देख सकते हो इमेज में इस टाइप से आपके घरों में भी पाली जाती है काऊ, ठीक है। और इसका आप लोग क्या यूज करते हो, सबसे ज्यादा मिल्क यूज करते हैं हम लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट एनिमल देखते हैं, बफेलो। बफेलो मतलब होता है भैंस। क्या होता है, भैंस। इसका भी दूध निकाला जाता है और ये दूध उत्पादन के लिए ही पाली जाती है, ठीक है। और ये भी हम लोग अपने घरों में पालते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हमारे सामने ऑक्स। ऑक्स मतलब होता है बैल। ये बैल का यूज इसलिए किया जाता है हमारे घरों में कि हम इससे खेती करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो खेती करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऑक्स को पालते हैं। किसे पालते हैं हम लोग, ऑक्स को पालते हैं, राइट। नेक्स्ट देखते हैं कैमल। कैमल यहाँ पे हमारे यहाँ पे नहीं होता है, हमारे नॉर्मल स्टेट पे, ये उस जगह पे होता है जहाँ पे रेतीली जगह होती है। तो रेत पे चलने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कैमल का। क्या होता है, कैमल। कैमल मतलब होता है ऊंट, ठीक है। तो ऊंट वहां चलते हैं रेगिस्तान में, ठीक है। तो इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। चलिए अगला देखते हैं हमारे पास में, नेक्स्ट है डंकी। डंकी मतलब होता है गधा। ये पहले के जमाने में सामान वगैरह इधर से उधर ले जाने का काम किया करते थे, इसलिए डंकी को पाला करते थे। बट अभी इसका थोड़ा सा पालन कम हो गया, क्योंकि अभी क्या हो गया, मोटर वाहन के दौर में क्या हो गया है कि ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया है, इसलिए हम लोग अभी डंकी का पालन नहीं करते हैं। बट आपको कई जगह पे सिटी में या फिर इधर उधर देखने मिल जाते हैं। तो डंकी मतलब क्या होता है, गधा। गधा गधा बोल करके देखो, डंकी, ओके। डंकी मतलब क्या होता है, गधा, ओके। लुक एट हियर, यू कैन सी ऑन द व्हाइट बोर्ड। नेक्स्ट एनिमल आ रहा है यॉर्क। यॉर्क मतलब होता है आपके पास में यॉर्की, जो जंगली भैंस टाइप का होता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं यॉर्क, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे नहीं पाया जाता है, ये जंगल वगैरह में रहता है। उसको कई जगह पे जैसे बर्फीले एरिया होते हैं वहां पे उसको पाला जाता है, ठीक है, ओके। गॉट इट, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं गॉट। गॉट मतलब होता है बकरी, ठीक है। इसका उपयोग बहुत ज्यादा घरों में किया जाता है, क्योंकि ये बहुत जल्दी इसे बेच दिया जाता है। इसका मीट के रूप में यूज करते हैं लोग, इसको काट करके मीट के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो मीट मतलब क्या होता है, आपका मीट मतलब मांस होता है। गॉट, गॉट मतलब क्या होता है, आपका बकरी, ठीक है। क्या होता है, बकरी। नेक्स्ट आता है हॉर्स। ये बहुत ज्यादा आपने देखा होगा, बहुत सारे लोगों का मन होता है यार कि हॉर्स राइडिंग करूं मैं भी घोड़े पे बैठूं, ठीक है। तो घोड़े को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हॉर्स कहते हैं। हॉर्स क्या यूज किया जाता है, हॉर्स का यूज किया जाता है शादी वगैरह में, ले जाते हैं उसको, ठीक है। उसके ऊपर दूल्हा बैठ करके जाता है। अब मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, आप लोग जानते हो, यू नो वेरी वेल, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास में मेयर। मेयर मतलब होता है घोड़ी। देखो घोड़ी, घोड़ा जो है वो क्या है, मेल है। और ये जो फीमेल होता है इसी का वर्ड, ये क्या होता है हमारे पास में, ये होता है हमारे पास में मेयर। क्या होता है, मेयर। नेक्स्ट आता है मंकी। अब ये मंकी तो आप लोग बोलेंगे इसको हम लोग कहाँ पालते हैं, ठीक है। तो आप पालते नहीं हो, बट ये भी विलेज वगैरह में आपको दिख जाते हैं, इसलिए हम लोग भी इसको पैट एनिमल्स के रूप में ले सकते हैं, क्योंकि कई कई जगह पे इसको पाला भी जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं, बंदर। बंदर को हम लोग क्या बोलते हैं, मंकी। क्या बोलते हैं, मंकी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट होता है म्यूल। म्यूल मतलब होता है खच्चर। अब ये क्या होता है बाबा, इधर देखो, ये क्या होता है, घोड़े की जैसी प्रजाति होती है, लेकिन ये थोड़ा उससे अलग होता है। ये भी सामान ढोने के काम किया जाता है। पिग, पिग मतलब होता है सुअर,
ठीक है, ये सब गंदगी हटाने के लिए पाला जाता है, ठीक है, और ये हमारे इधर नहीं पालते हैं ज्यादा, ये थोड़ा सिटी लाइफ सिटी एरियाज में आपको दिख जाएगी कि जहाँ पे ज्यादा गंदगी होती है, ठीक है, क्योंकि गंदगी में रहना पसंद करते हैं, ओके, बट वी डोंट लाइक टू लिव इन डर्टी एरियाज, राइट, वी आर गुड पर्सन, राइट है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट मतलब क्या होता है आप लोगों का, खरगोश, क्या होता है खरगोश, रैबिट भी पालते हैं क्योंकि रैबिट जो होता है बहुत सुंदर लगते हैं, इनके कान ऐसे स्ट्रेट होते हैं और ये बहुत सॉफ्ट, और इनकी बॉडी जो होती है बहुत लचीली होती है, ठीक है, तो रैबिट, रैबिट मतलब क्या होता है खरगोश, आपने जरूर वो वाली स्टोरी सुना होगा, रैबिट और खरगोश वाली, वो अपना कछुआ वाली, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सीप, सीप मतलब होता है भेड़, आपने देखा होगा कि सीप के जो ऊनी वस्त्र जो बनाए जाते हैं वो सीप के हेयर से बनाए जाते हैं, इधर देख रहे हैं आप लोग कि इसके पास में बहुत ज्यादा हेयर्स हैं, तो इनके हेयर्स को ट्रिम करके इनकी खाल निकाल करके बालों वाली इससे फिर क्या बनाई जाती है, स्वेटर या फिर कुछ ज्यादा गर्म कपड़े बनाए जाते हैं, तो आपको ठंडे प्रदेशों में ज्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है, चलो अगला देखते हैं हम लोग, ओ सो इट्स इनफ, ओके चलिए, तो हमारे पास में इतने हमारे जो थे पैट एनिमल्स है, डोमेस्टिक एनिमल्स है जो हम लोग बहुत ज्यादा अपने घरों में पालन करते हैं इनका, और इनसे कुछ ना कुछ एडवांटेज लेते हैं, ओके, सबसे ज्यादा आपको ये जो पालन वाला काम दिखेगा ये फार्मर्स लोगों के द्वारा दिखेगा, ठीक है, क्योंकि फार्मर्स इनसे अपना कुछ एडवांटेज लेते हैं, एडवांटेज का मतलब कि उन्हें सेल करते हैं फिर उससे उनको कुछ इनकम हो जाती है, ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये पैट एनिमल्स वाला टॉपिक समझ में आया होगा, सारे के सारे आप लोगों ने पैट एनिमल्स को समझ लिया होगा कि कैसे पैट एनिमल्स होते हैं, किस किस टाइप्स के होते हैं और इनको हम किस लिए पालते हैं, ओके, सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप लोगों ने वीडियो का एंजॉय किया होगा, अगर वीडियो को एंजॉय किया है तो छोटे बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये बड़े बच्चों के लिए नहीं बट छोटे वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, एज लाइक KG 1 to level 5 तक के स्टूडेंट्स के लिए इट्स इनफ, ओके, क्योंकि उन लोगों के माइंड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि डोमेस्टिक एनिमल क्या होता है एंड पैट एनिमल्स क्या होता है, ओके, तो वीडियो को ज्यादा से शेयर करो, ओके, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वहां पे एक बेल आइकन दिखेगा उसको भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे ही कोई नया इंटरेस्टिंग वीडियो आए सबसे पहले आप देख लें, ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।